आइए बताते हैं खबर क्या है। जिला झांसी के बबीना थाना परिसर में कोरोना जैसी महामारी की प्राथमिक जांच हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि बबीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अंशुमन तिवारी रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बबीना थाना के वर्तमान थाना प्रभारी व सहायक इंस्पेक्टर स्वास्थ्य द्विवेदी ने की। आइए देखते हैं क्या है खबर। टेम्परेचर लेना थर्मो स्किनर में अगर अपन इसका इसलिए याद है इसलिए उपयोग अभी हो रहा है क्योंकि जो थर्मामीटर का उपयोग करते थे उसमें मरीज के पास एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी समस्या है। दो महीने अपने यहाँ 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन शुरू किया था। सरकार ने पालन कराया, बहुत अच्छी तरह से सब चला। फ्रंट लाइन वर्कर में पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, अन्य सभी डिपार्टमेंटों का बड़ा सहयोग रखा और रोका। लेकिन अब करोना आर्थिक स्थिति को भी देखना है और करोना के साथ जीना भी है और सब काम भी चलने हैं। तो अब छोड़ दो आ गया। देखो आप देखो उसमें देखो निकाल लो जाएगा। एक फीट की दूरी से और बात करो। आ गया। और करो ना दबाओ उसको दबाओ टोपी निकालो। आ गया ना। ठीक है अस्पताल आए। ठीक बात बीच वाली बताएंगे लाइट जलती है क्योंकि एक आदमी से कई लोगों के संक्रमण का चांस हो रहा है। जैसे आपने देखा दतिया में एक बैंक कर्मी पॉजिटिव आया तो सारा स्टाफ पॉजिटिव हो गया, 10 लोग पॉजिटिव। अभी जो मुख्य सचिव के आदेश 22 जून के जो आदेश है तो उसको कार्यालय नहीं आने दें, माने उन्हें ड्यूटी पे नहीं लेना है और ना ही उनकी कोई भी वही स्क्रीन पे देखो ना बाहर देखो केवल वो चीज कार्यालय अध्यक्ष को जानकारी अभी नहीं 30 सेकंड बाद डाउन होने के बाद। हां इसमें 2 मिनट रुकना ही ऑटोमेटिक मशीन है। हां अपने आप डिसअपीयर हुई है उसके बाद दोबारा से काफी बढ़ गए। इसकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के ये आदेश हुए हैं कि हर कार्यालय में जहाँ पे लोगों का आवागमन है वहाँ तो पहले की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। सोशल डिस्टेंसिंग से मतलब है कि 2 गज की दूरी, वैसे तो WHO का कहना है कि 2 मीटर की दूरी रहे। किस सिलसिले में आए हो, क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं डॉक्टर अंशुमन तिवारी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना। आज थाना बबीना में थाना इंचार्ज स्वास्थ्य द्विवेदी जी और इंस्पेक्टर साहब बीरेंद्र सिंह और सभी स्टाफ की मौजूदगी में कोरोना बीमारी से बचने के उपाय बताए गए और पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मो स्कैनर की प्रॉपर जानकारी एवं उसके उपयोग के बारे में सभी पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई क्योंकि और बाकी सभी पुलिसकर्मी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छे से उसका उपयोग करें क्योंकि शासन आदेश आया हुआ है कि किसी भी कार्यालय में कोई भी आगंतुक आएगा उसको सबसे पहले थर्मो स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी जांच होगी। अगर उसमें कोई जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको कार्यालयों में या कार्य क्षेत्र में उनको उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। इस संबंध में ये ट्रेनिंग आज दी जा रही है। सर आप बबीना वालों से क्या कहना चाहेंगे? हम बबीना वालों से यही कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोग कोरोना मुक्त है कस्बा और आशा करते हैं किसी तरह से लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें और सार्वजनिक स्थान में भीड़ इकट्ठी ना हो, आपस में दूरी बनाए रखें। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य केंद्र जरूर आएँ और अपना परीक्षण कराएँ। Thank you.